झारखंड सरकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को टैब देगी। ये टैब पहले से 12वीं तक के कक्षा के सभी छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें सिम के साथ एक साल के लिए इंटरनेट पैक भी रहेगा, जिनमें रोजाना 2 GB डाटा निःशुल्क मिलेगा। 136 आवासीय स्कूलों को सरकार का तोहफा, 21,000 छात्रों को मिलेगा टैब, लर्निंग मटेरियल भी देगी सरकार। कोरोना संकट के कारण नौनिहालों की तालीम पर लगे ताले अब खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड सरकार कल्याण विभाग के तहत आने वाले राज्य के सभी 136 आवासीय स्कूल के 21,000 छात्रों को टैब देने वाली है। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। छात्रों को टैब के साथ लर्निंग मटेरियल भी देने की योजना है। इसके अलावा सरकार छात्रों को इंटरनेट देगी। तो इससे ये महसूस होता है, ये पता चलता है कि सरकार काफ़ी संवेदनशील है और बच्चों के भविष्य के प्रति काफ़ी सजग भी है, और आने वाले दिनों में और जो बच्चे हैं इस राज्य में उनके भी बेहतर भविष्य के लिए सरकार योजनाएं लाएंगी। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए, हमारे छात्र छात्राएं अपने बदौलत कंपिटेटिव माइंड के तैयार हो, इसको लेकर के सरकार इस तरह की योजना लाई है। सरकार के इस कदम की शिक्षाविद भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8वीं से ऊपर के सभी छात्रों को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम जो 8वीं के ऊपर उनको हम लोग टैब दे पाते तो बहुत अच्छा था। कोई ऐसा स्कीम बनाते कि टैब उधार में दे पाते, उधार इन द सेंस की दे फिर आप लौटा दीजिए किताबों की तरह, कुछ ऐसा कर पाते या कुछ सस्ता कर पाते तो ये बहुत बेहतर होता, सबके लिए लागू होता, बहुत बेहतर होता। लेकिन ये एक छोटा कदम है, लेकिन अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए।